हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर में। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको स्केलेटन के बारे में, आज भी स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं स्केलेटन के। तो इसमें जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एंडोस्केलेटन सिस्टम में। जो ये पूरा कंकाल आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलेंगे एंडोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। जो ब्लू से बना रखा है वो है एक्सियल स्केलेटन, और जो रेड से बना हुआ है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। तो इनके बारे में जानते हैं, जो दो भाग हैं वो कौन से हैं? एक्सियल स्केलेटन और सेकंड है अपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों होते हैं। एक्सियल स्केलेटन जो सिस्टम होता है ये हमारा, तो इसे कहते हैं अक्षीय कंकाल। कौन सा कहते हैं हिंदी में इसे? अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर स्केलेटन है जो, इसे कहते हैं अनुबंधी कंकाल। इसके में इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज, कि इसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं और कितनी कितनी पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं सबसे पहले जो एक्सियल स्केलेटन के बारे में, तो अक्षीय कंकाल के बारे में। तो इसमें जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 80। कितनी होती हैं? 80 बोन्स होती हैं, ठीक है। और ये अपेंडिकुलर में जो होती हैं बोन्स वो होती हैं 126 बोन होती हैं, ठीक है। और इन्हें अब अलग अलग देखते हैं, स्केलेटन में पढ़ते हैं पहले, एक्सियल स्केलेटन में। तो इसमें क्या क्या फैक्ट बनते हैं? इससे वही फैक्ट होंगे इसमें जो अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उनसे। तो इसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट है स्कल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। स्कल को हिंदी में खोपड़ी कहते हैं। सेकंड है वर्टीब्रेल, ब्रेल। और इसको वर्टीब्रेल को बैक बोन भी कह देते हैं। दोनों तरीके से आ जाता है क्वेश्चन में, बैकबोन भी कह देते हैं और वर्टीब्रेल भी कह देते हैं इसे। तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और थर्ड में बांटा है हमने रिब्स। रिब्स एंड हमने इसमें स्टर्नम को और रख लिया है। किसको? स्टर्नम को। तो आप जानते हो इसे वो पसलिया कहते हैं
हिंदी में। तो अब बात करते हैं हम स्कल के बारे में। किसके बारे में? स्कल के बारे में पढ़ेंगे, खोपड़ी के बारे में। जो आपका इधर जो कंकाल बना हुआ है स्कल्डन, इस वाले भाग को हम स्कल कहते हैं, मतलब खोपड़ी कहा जाएगा। इस बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट बोन पाई जाती है वो होती है क्रेनियम। कौन सी होती है? क्रेनियम। इसे हिंदी में कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। 8 बोन पाई जाती हैं इसमें। और इसमें जो सेकंड बोन होंगी वो होंगी आपकी फेस की बोन। वो होती हैं चेहरे में जो बोन होती हैं आपके, वो होती हैं 14 बोन पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी में जो ईयर होते हैं उसके बारे में। तो जो ईयर में बोन पाई जाती हैं वो होती हैं टोटल 6 होती हैं। और प्रत्येक में कितनी होती हैं? प्रत्येक ईयर में 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 बोन होती हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं इसी में आयोडाइड की। आगे आयोडाइड है हमारा ये वाली जो गले में कंठ में पाई जाती है, इसे आयोडाइड को हिंदी में बोलेंगे कंठ, कंठ की हड्डी। वो बोन होती है आयोड की, तो ये बोन होती है 1 पाई जाती है जो कंठ में पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा स्कल जो होता है खोपड़ी में इतनी सारी बोन पाई जाती है। और टोटल इन्हें हम करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 8 और 14 और 1 कितना हो गया? ये हो गया आपका 29 बोन हो जाएंगी। किसमें पाई जाती हैं? स्कल खोपड़ी में पाई जाती हैं। कितनी पाई जा रही हैं? 29 बोन, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है बैक बोन। रीढ़ की हड्डी, मैंने आपको बता दिया है, इसे रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं हम। तो इसमें जो पाई जाती हैं सिराइकल, क्या कहते हैं? सिराइकल। जो फर्स्ट बोन पाई जाएगी इसमें वो होगी सिराइकल। और इसमें जो बोन्स की संख्या होती है वो होती है 7 बोन। कितनी होती हैं? 7 होती हैं, ठीक है। और इसमें और जो बात करेंगे वो है थोरेसिक। थोरेसिक, तो थोरेसिक में भी होती है जो वोन की संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होगी थोरेसिक में? 12 वोन पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं इसी में, तो ल्यूमर क्या है? ल्यूमर, और
ल्यूमर में जो वॉन्स की संख्या होती है वो होती है 5, 5 वॉन। और आगे इसी में और बात करते हैं तो वो होती है सैक्रम। इसमें बोन पाई जाती है 1। कितनी पाई जाती है? 1 पाई जाती है। आगे बात करते हैं कॉक्सिक्स की। तो इसमें जो बोन पाई जाएगी वो भी एक ही पाई जाएगी। कितनी बोन पाई जाएंगी? 1 पाई जाएगी। तो मैं बता दूं दोबारा से आपको, जो सेरिकल होता है इसमें 7 बोन होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, और ल्यूमर में 5 होती हैं, और सैक्रम में 1 होती है, और कॉरिक्स में 1 होती है। तो टोटल कितनी बोन हो जाएंगी इसमें? जो टोटल बोन होंगी वो कितनी हो जाएंगी? वो टोटल बोन हो जाएंगी आपकी 26 बोन। कितनी हो रही है? 26 बोन। ठीक है, जो बैक बोन में पाई जाती हैं ये हो गई 26। तो यहाँ आप कहीं प्लस करते चलना, 29 तो पहले स्कल में पाई थी, अब ये बैक बोन में 26 हो गई। आगे बात करते हैं अब थर्ड पार्ट की, जिसको रिब्स है, स्टर्नम बोलते हैं, कि उसमें कितनी बोन्स पाई जाती हैं। तो इसमें जो बात करेंगे रिब्स की, तो रिब्स आप सभी को, पेयर्स की बात करें तो इसमें 12 पेयर्स होते हैं, और अगर टोटल पूछें तो 24 होती हैं इसमें। पेयर्स पेयर्स की बात करेंगे, जोड़ी की बात करेंगे तो 12 पाए जाएंगे, और टोटल की बात करें हम, टोटल की, तो वो होंगी हमारी 24। ठीक है, और स्टर्नम जो बोन होती है वो होती है 1। ठीक है, पसलियों को हिंदी में, सॉरी रिब्स को हिंदी में पसलियां कहते हैं। ठीक है, जो स्टर्नम होती है ये वी के आकार की होती है। कैसी होती है? वी के आकार की। जो क्या करती है? जो ये पसलियों को जोड़ती है, जो स्टर्नम होती है पसलियों को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये एक पाई जाती है, और ये रिब्स एंड स्टर्नम जो होती हैं वो चेस्ट बोन बनाती हैं, चेस्ट बोन। जो ये वाला जो पार्ट्स है आपका, ये क्या है? चेस्ट बोन। तो रिब्स एंड स्टर्नम से ये मिलकर बना है, दोनों बोनों से। तो इनमें जो टोटल बोन होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी 25। तो 24 तो ये है हमारी रिब्स, और स्टर्नम हमारी 1। तो कितनी हो गई यहाँ पे? 25। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? सभी का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा 80 हो रहा है, आप लगा के देख लीजिए, 80 ही होगा। अब बात करते हैं हम एपेंडिकुलर की, अनुबंधीय कंकाल की, कि उसमें कितनी कितनी बोन्स पाई जाती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसमें 126 बोन पाई जाती हैं। अब बात करते हैं एपेंडिकुलर की, अपेंडिकुलर स्केलेटन, और मैंने हिंदी में आपको बता ही दिया है कि अनुबंधी कंकाल कहते हैं इसे। तो इसमें अब बात करते हैं, तो ये हमने कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में। तो इसमें जो
बोन्स पाई जाती हैं, तो इसमें आप होंगी आपकी शोल्डर की बोन, हिप की बोन, लेग की बोन एंड इसकी पाई जाएंगी, और बोन जो पाई जाएंगी शोल्डर बोन, हैंड बोन, हिप बोन और लेग बोन। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं अब, कौन कौन सी हैं वो। शोल्डर बोन, थर्ड है हिप बोन, और फोर है लेग बोन। ठीक है, ये शोल्डर की बोन है जो शोल्डर में पाई जाती हैं, ये कितनी होती हैं, फोर होती हैं। कितनी बोन होती हैं, फोर होती हैं। और हैंड की बात करें हम बोन्स की, तो इसमें 16 होती हैं। कितनी होती हैं, 16 बोन होती हैं। ठीक है, और हिप की बात करते हैं तो हिप में होती हैं 2। कितनी बोन होती हैं, 2 होती हैं, और लेग में 60 होती हैं। तो हिप में शोल्डर की बात करें, जो दोनों शोल्डर होते हैं उनमें टोटल बोन होती हैं 4, और एक शोल्डर की बात करें जो प्रत्येक शोल्डर में होती हैं वो होती हैं 2। ठीक है, और हैंड में और हिप में तो 2 होती हैं ही। तो अब बात कर लेते हैं हम हैंड की और लेग के बारे में, जो ये कौन कौन सी बोन होती है और कितनी कितनी होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो जो हैंड की जो बोन्स होती हैं उसके बारे में, तो इसमें जो ह्यूमरस होती है आपकी बोन्स वो होती हैं 2। तो दोनों जो लेग होते हैं आपके हैंड होते हैं सॉरी जो हैंड होते हैं उनमें पाई जाती हैं, तो एक हैंड में कितनी होंगी, 1, और दोनों में टोटल की पूछा जाएगा तो हम 2 बताएंगे। ठीक है, अब रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस में भी आपकी 2 पाई जाती हैं। अनलिगा की कहेंगे, यूला की बात करेंगे तो इसमें भी बोन आपकी 2 पाई जाएंगी। ठीक है, और कार्पल्स कितनी पाई जाती हैं, 16 पाई जाती हैं। कितनी बोन पाई जाती हैं कार्पल्स की, 16 पाई जाती हैं, और मेटाकार्पल्स जो होती हैं वो होती हैं 10। कितनी होती हैं, 10। और फेंगुलास की होती हैं जो आपकी फेंगुलस की, और वो होती हैं 28। कितनी बोन होती हैं, 28। तो इसको टोटल करेंगे जब हम सभी को, तो कितनी हो जाएंगी टोटल करने पे, तो आपकी हो जाएंगी ये 60 बोन। कितनी हो रही हैं, 60 बोन। आप एक बार काउंट करके देख लेना बस। आगे बात करते हैं हम लेग्स की, लेग्स के बारे में, लेग के बारे में, तो लेग में जो बोन पाई जाती हैं उनके बारे में, तो लेग में बोन पाई जाती है आपकी फीमर। क्या है, फीमर। तो फीमर जो होती है कितनी होती हैं, 2 होती हैं बोन। कितनी, यहाँ जो जांग में पाई जाती हैं। ठीक है, जो पटेला है वो बोन कितनी होती हैं, 2 पाई जाती हैं, जो घुटने में पाई जाती हैं। आपको ये वाले जो भाग दिखाई दे रहे हैं इसे पटेला कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टीविया की, तो टीविया में जो बोन होती हैं वो होती हैं आपकी 2, और फेव्यूला में होती हैं वो होती हैं 2। और टार्सल्स की बात करते हैं तो टार्सल्स में कितनी होती हैं, 14। इसे एंकेल भी कह सकते हैं, या एंकेल कह लो या टार्सल्स बोन्स कह लो, एक ही बात है, लेकिन दोनों तरीके से क्वेश्चन में जो पूछा जाता है दोनों तरीके से पूछा जाता है, आप दोनों को ही याद करेंगे। अब मेटाटार्सल्स की बात करते हैं तो मेटाटार्सल्स में होती हैं 10 बोन,
और फेलेंगेस की मैं बात करते हैं तो उसमें होती हैं 28 वर्न। सभी को टोटल करने पे हमें कितनी वर्न प्राप्त हो रही हैं, वो हो रही हैं 60 वर्न। ठीक है, ये आप अच्छे से याद करना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर एग्ज़ाम में, और मैंने वही पॉइंट लिखवाए हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और इसी में दो तीन फैक्ट बताना चाहूँगी इन्हीं से रिलेट करके, जो आपकी सबसे बड़ी जो हड्डी होती है ह्यूमरस, सॉरी जो मेंस में पाई जाती है सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है, जंग में पाई जाती है, फीमर कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है उसे? फीमर, फीमर, फीमर कहते हैं उसे। ये जांग में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो वो कान में पाई जाती है, उसे स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं, वो कान में पाई जाती है। अगर हम रिब्स की बात करते हैं, जो पसलियों की बात करते हैं, ऐसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अधिक जो रिब्स पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, तो वो स्नेक में पाई जाती हैं। लगभग वह 200 से 400 तक पाई जाती हैं। ठीक है, आप अच्छे से ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा मैं आशा करती हूँ। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।